जेनरिक ड्रग्स और ब्रांडेड ड्रग्स। ब्रांडेड ड्रग का दोस्तों आपने एग्जांपल सुना होगा कॉम्बीफ्लेम। कॉम्बीफ्लेम एक बहुत फेमस ड्रग है और कॉम्बीफ्लेम एक ब्रांडेड नेम है, ये जेनरिक मेडिसिन नहीं है। अगर आप कॉम्बीफ्लेम मिलती है तो एक ब्रांडेड ड्रग है। वहीं कॉम्बीफ्लेम की जेनरिक वर्जन आ जाती है पैरासीटामोल प्लस इब्यूप्रोफिन। यह भी सेम वही थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करेगी आपकी बॉडी पर जो कि कॉम्बीफ्लेम करेगी, लेकिन यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम होगी ब्रांडेड ड्रग से। दोस्तों हमें पता लगता है कि जेनरिक ड्रग्स और ब्रांडेड ड्रग्स में डिफरेंस होता है। आज हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक सिमिलैरिटीज़ की और इनके बीच में डिफरेंस, और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक ब्रांडेड ड्रग है या फिर ये एक जेनरिक ड्रग है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हम डॉक्टर्स के पास अगर हम जाते हैं तो डॉक्टर्स जनरली ब्रांडेड ड्रग्स प्रेफर करते हैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। उसका एकमात्र रीज़न ये है कि क्वालिटी कंट्रोल जो होता है किसी भी ब्रांडेड या फार्मास्यूटिकल कंपनी का वो बेहतर होता है किसी भी जेनरिक ड्रग बनाने वाली कंपनी से। वहाँ पर रिसर्च टीम, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम ज़्यादा अच्छी होती है। वहाँ पर क्वालिटी चेक्स ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि जेनरिक ड्रग्स जो बनती हैं वो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं और वो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन कंपैरिजन में अगर आप एज अ पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको कोई जेनरिक ड्रग प्रिस्क्राइब करके दे देता है और उससे आपको कोई साइड इफेक्ट हो जाता है या कोई एलर्जी हो जाती है, तो उसका पूरा जिम्मेदार डॉक्टर होगा और डॉक्टर ये चीज़ें नहीं चाहता कि उसके पेशेंट्स के साथ हों। तो यहाँ पर डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक साइकिल है ये। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलती है तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको वो ब्रांडेड ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे क्योंकि उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक डिफरेंस भी है जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग के अंदर। ब्रांडेड ड्रग्स को हम इनोवेटर्स ड्रग भी बोलते हैं। इनोवेटर्स ड्रग मतलब कि वो पहला ड्रग वो इनोवेट भी वहीं हुआ था एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर, उससे पहले वो ड्रग नहीं था। तो अगर एक जेनरिक मेडिसिन आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उससे पहले जो कि एक फर्स्ट कॉपी थी, फर्स्ट वर्जन था ड्रग का, वो किसी ब्रांडेड ड्रग ने ही बनाया है, वो एक ब्रांडेड ड्रग है। उसके बाद जो जेनरिक ड्रग या जेनरिक मेडिसिन कंपनीज होती हैं वो किसी भी एक ब्रांडेड ड्रग को देखती हैं, उसके जो API होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स उसको कॉपी कर लेती है, और जेनरिक ड्रग को हम कॉपी मेडिसिन भी बोलते हैं ब्रांडेड ड्रग्स की। तो यहाँ पर इसमें कोई दोहरा नहीं है कि जेनरिक ड्रग्स एक चीप होती हैं, बेकार होती हैं, उनको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो उनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो दोनों का सेम ही रहता है। इसमें दोस्तों मानने वाली बात ये है कि यहाँ पर जेनरिक ड्रग्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं ब्रांडेड ड्रग्स के मुकाबले। डिफरेंस तीन चीज़ों में आ जाता है बेसिकली। दोस्तों हमने बात करी है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सेम होता है ब्रांडेड में भी और जेनरिक में भी सेम होता है, लेकिन इनएक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या इनएक्टिव इंग्रेडिएंट थोड़ा सा अलग होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं उनकी शेप, उनका कलर, उनकी अपीयरेंस एज अ जनरल डिफरेंट होती है किसी भी ब्रांडेड मेडिसिन के मुकाबले। और एक मेजर पॉइंट तो यहाँ पर आ ही जाता है कॉस्ट। उनकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है ब्रांडेड मेडिसिन से। इसके बारे में हमने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि जेनरिक मेडिसिन क्यों सस्ती होती हैं, इसके ऊपर रिसर्च, मार्केटिंग, ये सब हमने डिस्कस किए थे। कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ब्रांडेड ड्रग के अंदर जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को बनानी पड़ती है, उसके साथ साथ उनको मार्केट करनी पड़ती है वो मार्केट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जेनरिक मेडिसिन को और एक ब्रांडेड मेडिसिन को। दोस्तों यहाँ पर हम तीन फैक्टर्स, तीन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। पहला कॉस्ट। सिंपल दोस्तों यहाँ पर आपको अगर एक ब्रांडेड मेडिसिन है तो जेनरिक मेडिसिन उसकी 50% या 80% कम रेट में आपको मिल जाएगी उसी एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ। सेकंड दोस्तों हमने बात करी है यहाँ पर कलर और शेप और अपीयरेंस, जो कि एक ब्रांडेड ड्रग की है उससे अलग होगी, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक जेनरिक ड्रग है। बेसिकली दोस्तों हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो ब्रांडेड मेडिसिन हम कंज्यूम कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता, लेकिन ब्रांडेड मेडिसिन का जो आपने देखा होगा कि आपके घर में भी अगर दवाइयाँ हैं उनके ज़्यादातर के कलर वाइट ही होते हैं, चाहे वो एक टैबलेट है, चाहे वो एक डोज है, कोई भी डोज फॉर्म है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जेनरिक मेडिसिन के येलो, ग्रीन, पिंक कलर भी हो सकते हैं, और ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं है कि सारी जेनरिक ड्रग्स कलरफुल होंगे और ब्रांडेड ड्रग्स कलरफुल नहीं हो सकती, लेकिन ज़्यादातर ये ऐसा देखा जाता है कि जो जेनरिक ड्रग्स होते हैं उनका कलर थोड़ा सा अलग होता है ब्रांडेड ड्रग्स के मुकाबले। दोस्तों थर्ड यहाँ पर मेन पॉइंट आता है पैकेजिंग नेम। किसी भी मेडिसिन के पैकेज के ऊपर उसका नाम क्या है। अब एक मेडिसिन का नाम तो होता है,
मेडिसिन का जेनरिक नेम भी हो सकता है, मेडिसिन का ब्रांडेड नेम भी हो सकता है। डिक्लोफिमेक एक अगर आपको देखने को मिलता है डिक्लोफिमेक 75 मिलीग्राम, ये एक जेनरिक नेम है, और वोवेरन इसका ब्रांडेड नेम है। अगर आपको वोवेरन देखने को मिलेगा तो समझ जाइए कि एक ब्रांडेड मेडिसिन है, और डिक्लोफिमेक मिलता है तो ये एक जेनरिक मेडिसिन का नाम है। तो आप इसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसका नाम क्या है, और आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हो किसी मेडिसिन को, क्या है इसका जेनरिक नेम है या फिर क्या इसका ये ब्रांडेड नेम है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है किसी भी मेडिसिन को आइडेंटिफाई करने में, क्या वो एक जेनरिक है या फिर एक ब्रांडेड मेडिसिन है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्विकली बता देता हूँ 10 स्टेप्स जो कि आपको फॉलो करने अगर आपको चेक करना है कि वो मेडिसिन फेक है या फिर रियल है। पहला है दोस्तों आपको पैकेजिंग को चेक करना होगा। दोस्तों दूसरा है यहाँ पर आपके सील के अंदर कोई ब्रेकेज तो नहीं है। तीसरा है दोस्तों यहाँ पर आपको चेक करना होगा डोजेज फॉर्म सही है या नहीं। चौथा है दोस्तों यहाँ पर आपको फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जो टैबलेट के किसी भी डोजेज फॉर्म के वो आपको चेक करने होंगे। पांचवा है दोस्तों यहाँ पर आपको एलर्जीज चेक करनी होंगी, क्या वो एलर्जिक रिएक्शन करती है बॉडी के अंदर या नहीं। सिक्स दोस्तों आपको यहाँ पर चेक करना होगा कि उसका प्राइस सही है या नहीं। सेवन दोस्तों आप उसको वेरीफाई कर सकते हो मेडिसिन को ऑनलाइन। एट्थ है दोस्तों यहाँ पर आपको वेंडर को चेक करना होगा, क्या वो एक इलीगल है या फिर लीगल है। नाइन्थ है दोस्तों यहाँ पर आपको ड्रग्स की सारी डिटेल्स चेक करनी होगी किसी भी मेडिसिन पैकेज के ऊपर। और लास्ट है दोस्तों यहाँ पर टेंथ आपको मैन्युफैक्चरर का एड्रेस देखना होगा, कि वेरीफाई करना होगा कि वो मैन्युफैक्चरर एड्रेस सही है या नहीं। तो ये 10 स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो मैक्सिमम चांस है कि आप जो ड्रग एक ले रहे हो परचेज कर रहे हो वो सही होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी लर्निंग मिले तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही औसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।